subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. So students, let us discuss some questions on the chapter. So first question is, a 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.96 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. एक कंपाउंड है विच इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन और बोरॉन, ठीक है, उसका टोटल मास है 0.24. तो एनालिसिस करने के बाद ये पता लगा कि उसमें बोरॉन 0.096 ग्राम है और ऑक्सीजन 0.144 ग्राम. कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय मास. कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है हमें. सो लेट अस सी हाउ टू प्रोसीड. सबसे पहले जो बोरॉन और ऑक्सीजन के मासेस गिवन है हमें, उनका हम परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लेंगे. सो मास ऑफ बोरॉन गिवन है कंपाउंड में 0.096 ग्राम, ठीक है, और टोटल मास ऑफ कंपाउंड है 0.24 ग्राम, ठीक है. तो अगर हम परसेंटेज ऑफ बोरॉन निकालें तो वो होगी मास ऑफ बोरॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0.096 डिवाइडेड बाय 0.24 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 40%. मतलब 40% बोरॉन प्रेजेंट है. आप ऑक्सीजन का देखते हैं सेम तरीके से. सो मास ऑफ ऑक्सीजन जो कंपाउंड में गिवन है वो है 0.144 ग्राम और मास ऑफ कंपाउंड है 0.24 ग्राम, ठीक है. अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है हमें, तो वो हो जाएगी 0.144 डिवाइडेड बाय 0.24 मल्टीप्लाई बाय 100. सॉल्व करने के बाद 60% आ गई ऑक्सीजन की परसेंटेज, ठीक है. सो देयरफॉर परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बोरॉन इज 40 एंड ऑक्सीजन इज